नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित व कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण के दौरान छात्र व छात्राओं को जलजीवी से हंसेश्वर तक राफ्टिंग कराई गई। निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी ने बताया कि निगम द्वारा राय का नारायण नगर, अस्कोट, बकड़ीहाट के विद्यार्थियों को राफ्टिंग कराई गई। इस दौरान प्रतिभागियों को हिमालय बचाओ अभियान की शपथ भी ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, पदम सिंह, विनोद धामी, अजय धामी, मनोहर सिंह, वेद प्रकाश भट्ट, दीपक बिष्ट आदि मौजूद थे। चंपावत जनपद में एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने को लेकर मिट्टी का लेप लगाकर मड बाथ का शुभारंभ किया। नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित प्राकृतिक चिकित्सा एवं नवयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिभाग करते हुए शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट टगाड़ी गांव के लोगों ने आज सामाजिक कार्यकर्ता अमित भारती के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी से भेंट कर गांव से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को आबादी क्षेत्र से दूर किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस मांग का एक पत्र भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि हाई टेंशन लाइन के गाँव के मध्य गुजरने से ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने शीघ्र हाई टेंशन लाइन को आबादी से दूर किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट के पंतगांव नड़ेत मोटर मार्ग में घटिया निर्माण कार्य के आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हेमू अवस्थी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने स्थल पर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मोटर मार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त होने से गाँव के नौले को भी खतरा बना हुआ है, जिस कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करने के बाद भी केवल अभी तक आश्वासन दिए गए हैं और धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने गरखा क्षेत्र की अन्य सड़कों के खस्ता हाल होने पर भी नाराजगी प्रकट की। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र समस्या के निस्तारण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आक्रोश व्यक्त करने वालों में हेमूपंत, हिमांशु अवस्थी, मनोहर बिष्ट, मनोज बिष्ट, अनिल नेहरा, अखिल नेहरा, पूर्व प्रधान पसमा, महिमन सिंह, मोहन सिंह सहित कई ग्रामीण शामिल थे। पिथौरागढ़ के एन यू राय का खेल मैदान में आयोजित 20वीं जनपदीय विद्यालय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह दूसरे दिवस जारी रहा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सब जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में बड़कटिया के करण कुमार ने प्रथम स्थान, सब जूनियर बालक वर्ग की ऊंची कूद में कोटा खड़ी के नीरज पवार ने प्रथम स्थान, सब जूनियर बालिका वर्ग ऊंची कूद में आठ गांव सिलिंग की कृतिका ने प्रथम, 100 मीटर दौड़ में नाचनी की गुंजन, सब जूनियर बालिका वर्ग 400 मीटर में शिशु मंदिर पीठ वड्डा की संतुष्टि खड़ायत, जूनियर बालिका वर्ग त्रिकूद में बेरीनाग की नेहा बाबिला, जूनियर बालक वर्ग भाला क्षेपण में सिंगाली की कमल भट्ट, ऊंची कूद में गंगोलीहाट के आयुष पंत, गोला क्षेपण में चौड़ मुनिया राहुल कोहली, 100 मीटर दौड़ में कनालीचिना के गौरव कापड़ी, जूनियर बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में क्वीतड़ के जीवन सिंह सोन, सीनियर बालिका वर्ग 200 मीटर दौड़ में बेरीनाग की बबीता पाठक, गोला क्षेपण में सिंगाली के सूरज चंद, 3000 मीटर दौड़ में एसडीएस के नीरज मेहता, बालिका वर्ग 3000 मीटर दौड़ में हिमतड़ की अंजलि महर, त्रिकूद में बड़ावी की मनीषा, सीनियर बालक वर्ग लंबी कूद में नारायण नगर के राजेंद्र सिंह, 400 मीटर दौड़ में डीडीहाट के गिरधर सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुकरिया व पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पंत द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला खेल समन्वयक विक्रम सिंडिकारी, ब्लॉक समन्वयक अर्जुन कुमार, दिनेश पाटनी, जीवन खोलिया, भूपेंद्र चौहान, मोहित बिष्ट, गौरव पंत, ज्योत सिंह बोरा, दीपक कोठारी, अजय कुमार, शैला जोशी, प्रीति वर्मा, मनोज वर्मा, कल्पना बोरा, बंसीधर जोशी सहित कई शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी रोकने को लेकर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत एसओजी व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बीते दिवस पुनेड़ी में सुनील राउत के दुकान में छापेमारी के दौरान 96 पौवे व 7 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन मर्यादा अभियान के तहत धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 46 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस व कोटवा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इधर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 110 वाहन चालकों का चालान किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने पर चौकड़ी चौकी प्रभारी एसआई मनोज पांडे व टीम द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पर चालक
खड़क सिंह निवासी नासनी को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 33 वाहनों की चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बनबसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान आरोपी दीपक कुमार बनबसा के कब्जे से 3.97 ग्राम स्मैक तथा एक अन्य आरोपी अतुल सक्सेना के कब्जे से 48 पौवे अवैध देसी मसालेदार शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट व शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक हेमंत कटैत, KC जोशी, कांस्टेबल जगवीर सिंह, पवन कुमार, शैलेंद्र राणा, सूर्य प्रकाश आदि शामिल थे। इधर बीते एक दिवस पूर्व टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत अभियान के तहत एक आरोपी जावेद निवासी इमली पड़ाव टनकपुर के कब्जे से 544 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल व कैप्सूल बिक्री कर कमाए गए रुपये 2,290 नकद बरामद किए गए। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम में SI तेज कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह राणा, मोहन सिंह, शंकर बिष्ट, सतीश राणा आदि शामिल थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।